पीजी कॉलेज में प्राचार्य और छात्र संगठन पदाधिकारी के बीच बहस का वीडियो हुआ वायरल। कहा, विधायक के बिना नहीं हिलता पत्ता। मीडिया से चर्चा के दौरान प्राचार्य ने दी सफाई। दरअसल बीना पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य डॉक्टर रेखा बरेठिया को गुरुवार को ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र संगठन के पदाधिकारियों और प्राचार्य के बीच बहस हो गई थी और प्राचार्य ने कह दिया था कि कॉलेज में विधायक के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्राचार्य डॉक्टर रेखा बरेठिया ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि छात्र संगठन के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए थे और विद्यार्थी परिषद भाजपा की प्राथमिक इकाई है, इसलिए कहा कि सत्ता में भाजपा के विधायक हैं, उनसे भी चर्चा कर सभी कार्य किए जाएंगे। वहीं कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, वह सिर्फ महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन्हें समझाइश दी थी। एक तो कल जो एवीपी के बच्चे आए थे, उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेके ज्ञापन देने के लिए मेरे से रिक्वेस्ट किया। उस समय क्या है, हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर चल रहा था एक्सपर्ट का ऑनलाइन, तो उस समय हमारे यहाँ हमारी पूरी टीम एक्सपर्ट लेक्चर के लिए विवेकानंद में व्यस्त थी। और जो उन्होंने वीडियो वायरल किया है, वीडियो लिया है, वो पूरा भी नहीं है। उस वीडियो का केवल वही पार्ट लिया है जिसमें मैंने ये बोला है कि विधायक जी के बिना यहाँ कोई काम नहीं होगा, उनकी बिना मर्जी के कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एबीपी भी बीजेपी का ही एक पार्ट है और प्राइमरी स्टेप है। इस प्राइमरी स्टेप में मैंने मुखिया जान के ये उनको बोला है, क्योंकि ये महाविद्यालय कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कि यहाँ एबीपी वाले आए और उसके बाद फिर एनएसयूआई वाले आए, फिर दूसरे संगठन वाले आए। मेरा मंतव्य ये था कि आपको जो भी बात कहनी है वो बहुत अच्छी तरीके से छात्र हित में और छात्रों के अगर प्रोग्रेसिव कोई बात होती है, उनके हित में कोई बात होती है, तो शांति से भी हो सकती है। पर उन्होंने क्या किया कि झंडे लहरा लहरा के माहौल से जो हमारे बच्चे उठकर आए, तो हमारी टीम को थोड़ा सा वह उनका जो वातावरण बनाया था वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो हमारी टीम से डॉक्टर अग्नोत्री जी बोले कि भाई झंडे अलग कर लो और आपको जो कुछ भी ज्ञापन देना शांतिपूर्ण ढंग से हमको दे दो। तो वो जो उनके जो मतलब संगठन के जो सदस्य थे एबीपी में, वो थोड़े नाराजगी और थ्रेटनिंग बिहेवियर में धमका करके कि हम संगठन से शिकायत करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब उन्होंने इस तरह धमकी वाली बात करी, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो वो इस तरह हाथ फटकारते हुए और उंगली दिखा करके बात करने लगे कि ठीक है हम देखते हैं, हम संगठन में आपकी शिकायत भेजेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं तो खुद ही 7 साल बाद यहाँ आई हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि जो नगर के मुखिया हैं और बीजेपी के जो सबसे बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि के सामने ये इस तरीके का बच्चों का करना उचित नहीं है। तो इस उपलक्ष्य में इस उद्देश्य से मैंने उनको बोला था कि देखो विधायक जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो उस समय का बात थी, इस उद्देश्य से मैंने उनको रोका था। बाकी ये कोई राजनीतिक मतलब वो नहीं है, ये शिक्षा संस्था है, शैक्षणिक संस्था में अगर ये आए दिन होगा तो फिर हमारी टीम और हम लोग कैसे महाविद्यालय में काम कर पाएंगे।